नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के धाकर ओपनर बल्लेबाज शेखर धवन को पिछले दिन तलाक हो गया था। उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी बिना कुछ सोचते समझे ही इन्हें तलाक दे दिया। उसके बाद शेखर धवन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में भी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज शेखर धवन ने सोशल मीडिया पर आके यह अनाउंस कर दिया है कि वह बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं दूसरी, और हुमा क्रेशी के साथ उसका दूसरा शादी होगा। दोस्तों, हुमा क्रेशी बॉलीवुड एक्टर्स हैं और क्रिकेट और बॉलीवुड का बहुत पुराना रिश्ता है। कोई ना कोई नई रिश्ता सामने आती रहती है और यह दूसरा रिश्ता जो है दोस्तों शेखर धवन का, वह हुमा क्रेशी बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में जुड़ा है और बहुत ही जल्द यह दोनों शादी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर शेखर धवन की बात करें तो बिना कुछ सोचे समझे ही आयशा मुखर्जी ने उन्हें तलाक दे दिया था। उसके बाद शेखर धवन का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, शेखर धवन अब सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर आके यह बयां कर दिया है कि वह बहुत ही जल्द हुमा कुरैशी के साथ में शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, शेखर धवन का भारतीय टीम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से भी वह काफ़ी ज़्यादा निराश थे। लेकिन बहुत ही जल्द अब वह शादी करने वाले हैं हुमा कुरैशी के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक शेखर धवन की शादी हो जाएंगे, और आप लोग शेखर धवन की दूसरी शादी से खुश हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के और क्रिकेट न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।